हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक और नया मैसेज लेकर आई हूँ डिवाइन का। मैं देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, क्या जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। निषाद कुमार व्यास, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने मुझे बहुत बड़ा वाला सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू सो मच। आपके लिए डिवाइन का कोई मैसेज है तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, अबंडेंस। तो देखिए, आपके लिए अबंडेंस आ रही है, आपके जीवन में ढेर सारा धन आ रहा है। पॉसिबल है कि आपने जिस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है उस चीज़ में अब आपको सफलता मिलने वाली है। तो बहुत बड़ी सफलता आपके नज़दीक आ रही है, ये बहुत जल्दी ही आपके जीवन में होगा। तो जितना हो सके लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और अपने काम पर ही फोकस्ड रहिए, क्योंकि आपके जीवन में अब हर ओर से धन आने वाला है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। नेक्स्ट है ब्लेस्ड बी 5452, इन्होंने अपना नाम नहीं मेंशन किया, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने मुझे बहुत बड़ा वाला सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए भी अगर डिवाइन का कोई मैसेज है तो मैं ज़रूर दूंगी आपको। ट्रस्ट, तो देखिए ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट कीजिए, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। बेसिकली जब आप ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके जीवन में मिरेकल होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके अंदर शायद विश्वास की थोड़ी कमी हो सकती है, थोड़ा सा अपने विश्वास को बढ़ाइए और देखिए फिर कैसे मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई भी चीज़ देखिए ईश्वर के साथ असंभव नहीं है, ईश्वर के साथ हर एक चीज़ संभव है। विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट है संचित सेठी जी 4763, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है, आपने भी बड़ा वाला सुपर थैंक्स भेजा है, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का है तो देख लेते हैं क्या है। इनोसेंस, देखिए आप शायद हो सकता है ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट हों, तो बहुत ज़्यादा आपको इनोसेंट बन के रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो ये इनोसेंसी है ईश्वर को तो पसंद है, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो आपके इस इनोसेंट बिहेवियर को लेकर के आपका मिसयूज़ करते हैं और आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपने लाइफ में शायद बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, बहुत कुछ हुआ होगा आपके साथ। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा लोगों को पहचानना सीखिए, एक ही बार में आप उन्हें पहचान सकते हैं और दूसरा मौका मत दीजिए। ठीक है, ऐसी कोई एनर्जी आपके लिए आई है। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ईश्वर का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या नया मैसेज है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है मेरे थ्रू। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए कोई एक कार्ड ओपन हुआ है, कोई चीज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत तेज़ी से कोई चीज़ आपके जीवन में एंट्री मार लेना चाहती है और आप भी किसी चीज़ में ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से आप कहीं पहुंच जाना चाहते हैं, शायद आपको भी किसी चीज़ की बहुत जल्दी है और ईश्वर को आपसे भी ज़्यादा जल्दी है किसी चीज़ को देने की, है ना। तो यहाँ पे वो चीज़ आ रही है कि आपके जीवन में जो चीज़ आपको चाहिए वो आपके जीवन में आ रही है बड़ी ही तेज़ी से। ओके
ओके, एक मैसेज आया है, नंबर 8 का है, यानी कि बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं एक साथ, बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी संभावनाएं, थोड़ी स्लो हैं क्योंकि बहुत से लोगों की कुदृष्टि होगी, उनको खुजली बहुत ज़्यादा होगी, तो शायद उसकी वजह से भी चीज़ें डिले हो गई, और कुछ प्लैनेट्स का भी आपके हो सकता है जो आपको इतना स्लो 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 कोई चीज़ देना चाहते हैं। अब मैं क्या बोल सकती हूँ उन प्लैनेट्स को भी, ठीक है, आपकी लाइफ में चीज़ें आ रही हैं बहुत तेज़ी से, कुछ चीज़ें आ रही हैं और एक साथ बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। 3 of Swords, ओके, तो यानी कि यहाँ पे जो है ना, आपको कोई पहुँचने ही नहीं देना चाहता, किसी ने स्लो डाउन किया है आपको। ओके, देखो यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, द हायरोफेंट एंड 9 of Swords, यानी कि कोई आपके जीवन में किसी एक चीज़ को रोक देना चाहता है, यहाँ पर किसी ने आपके ऊपर कोई मैजिक किया है, आपकी चीज़ों को स्लो डाउन किया है। ओके, तो यहाँ कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर किसी ने आपके जीवन की उपलब्धियों को स्लो डाउन किया है और आपको ना बहुत ही ब्रूचुअल कोई चोट पहुँचाना चाहता है, कोई किसी तरह के ना बहुत ज़्यादा अपनी खुन्नस जैसे निकाल देना चाहता है, अपनी नफ़रत उढ़ेल देना चाहता है आपके ऊपर। किसी को बड़ी तकलीफ़ है आपकी कामयाबी से, आपके सुख से, आपके हंसने से, आपके बात करने से, और क्या हुआ होगा इन चीज़ों में ये भी देख लेते हैं, है ना। आप जितनी तेज़ी से अपने जीवन में बेसिकली यहाँ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा आपकी संभावनाओं को ना किसी ने स्लो डाउन करने की कोशिश की है, और यहाँ पे कोई खंजर जैसे घोप देना चाहता है आपके दिल पे कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है आप खुश रहने का, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है अपने जीवन में किसी तरह की सुख की अनुभूति का। ओके, रिवर्स में आया है ये कार्ड, 4 of Cups, ठीक है, तो ये रिवर्स आया है तो रिवर्स ही लेंगे हम। बट यहाँ पे जो है ना भाग्य रुकने नहीं वाला, क्योंकि एक कार्ड गिर के खुल गया है, इसलिए मैं लूंगी द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सॉरी, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है जो कि आपके भाग्य को बदलने की हिम्मत रखता है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोशिश कर रहा है किसी घटिया सी हरकत को करने की, लेकिन चीज़ें बैकफायर हुई हैं, रुकने नहीं वाला कुछ भी, कोई भी चीज़ रुकने नहीं वाली, आपके जीवन की सभी चीज़ें आपके पास सही समय पे पहुँच जाएंगी। 4 of Wands, तो यहाँ पे ना कोई आपके जीवन की उपलब्धि को, आपकी लाइफ में ना कोई चीज़ आ रही है, कुछ कोई पार्टनरशिप आ रही है, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत सारी खुशियां लेकर, और यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा किसी के दिल पे सांप लौट रहे हैं और वो चाहता है कि आपके जीवन से इस खुशी को छीन लिया जाए, आपके जीवन से इस उपलब्धि को छीन लिया जाए, और इस चीज़ के लिए किसी ने बड़ी तेज़ मशक्क़त की है, ठीक है। इस मशक्क़त के कारण देखो उसने आपके जीवन में ये करने की कोशिश की है, ठीक है। आप ऐसी पोजीशन में हैं, वो चाहता है कि ज़बरदस्ती आपको ऐसी मोड पर ले आया जाए, किसी तरह से आपको रोका जाए, ब्लॉक किया जाए, बाइंड किया जाए, बट यहाँ पे आपके ऊपर किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं हुआ है, क्योंकि आप पहले ही बैकफायर कर चुके हैं चीज़ों को और आपके जीवन से वो चीज़ें बहुत दूर जा चुकी हैं, ठीक है। ऐसी कोई एनर्जी है जो किसी ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है आपके ऊपर, यानी कि आपका भाग्य जो बदल रहा है, कोई बीच में अपनी टांग अड़ाना चाहता है, ठीक है, तो किसी की टांग नहीं अड़ पाएगी, देख लेते हैं क्या एनर्जी आ रही है आगे क्या होगा। वैसे तो आपकी जीत हुई है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ऑफ कोर्स कि कोई भी कुछ भी कर नहीं पाएगा। ओके, तो देखो ये भी रिवर्स कार्ड आया है, आज मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ,
तो ये रिवर्स कार्ड आया है फाइव ऑफ पेंटेकल्स, यानी कि कोई जो है ना आपको इस परिस्थिति में पहुंचा देना चाहता है, बट क्योंकि ये उल्टा आया है इट मीन्स कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत सी इसकी जो कोशिश है ना धराशायी रह गई है, जो इसने कोशिश की है करने के बीच में घुसने की कोशिश की है थर्ड पार्टी बन के और आपको पता नहीं क्या बना देना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें नाकामयाब हुई हैं, पहले ही बैकफायर हो गया है। ठीक है ओके, तो देखो आपके जीवन में जो चीज़ आ रही है ना वो आपको मिलकर रहेगी, उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में किसी तरह का किसी से जुड़ाव आ रहा है, कोई पार्टनरशिप आ रही है, किसी के साथ कोई हिस्सेदारी आ रही है, उस चीज़ को कोई बीच में आके ना रोक देना चाहता है, वो नहीं रुकने वाली है। आपका भाग्य आपको मिलकर रहेगा, ना स्लो डाउन होगा ना कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटकल्स, आप हमेशा ही क्वीन रहेंगी और पेंटिकल्स की क्वीन रहेंगी, पैसे की आप धन की देवी बनकर ही रहेंगी। ठीक है, आपके जीवन में ये किसी की फीमेल की एनर्जी है, बिल्कुल फीमेल की एनर्जी है। यहाँ पे ना कोई पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा खुजली है और यहाँ पे कोई लेडी आई है, देखो ये कोई लेडी है। ओके यहाँ पे ये कोई मेल है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है तेज़ी से और वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन यहाँ पे कोई लेडी है जिसने इन चीज़ों को स्लो डाउन किया है, यानी कि उसने आपके ऊपर प्रोजेक्शन किया। या तो देखो ये इस पर्सन की पार्टनर है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी एक्चुअली वो है लेकिन वो बनाना चाहती है आपको, तो उसने आपके ऊपर किसी तरह की प्रोजेक्शन की है जो सक्सेसफुल नहीं रहेंगी। ठीक है, आप की तरफ कोई चीज़ आ रही है जिसको वो रोक देना चाहती है, खा जाना चाहती है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ ऐसी कुछ एनर्जी है, लेकिन आपके ऊपर उस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ा है, वो चीज़ बैकफायर हो गई है, वो चीज़ें उसी के जीवन में आकर के फटेंगी उसके ऊपर। तो इन सब चीज़ों के पीछे कोई लेडी है और इस लेडी ने जो है स्पेल किया है आपके ऊपर किया है, क्योंकि आपकी तरफ कोई आ रहा है तो उसको डर है कि कहीं वो आप तक पहुँच ना जाए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि कौन है ये, यानी कि आपके जीवन में देखो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो पार्टनरशिप है ये शादी भी हो सकती है, शादी में दो लोग बिजनेस में भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, या कोई चीज़ ऐसी है जिसमें आप लोगों का एक होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ ऐसी एनर्जी आ रही है और जिससे किसी को बड़ी तकलीफ़ है और वो चाहते हैं कि आप जो हैं हट जाए रास्ते से। आप हीरो हैं फिल्म के, कोई आपको हटा देना चाहता है, कैसे कैसे लोग हैं। गाइडेंस, तो देखिए ईश्वर जो है ना आपको गाइड कर रहे हैं, आपको जो है देखो यहाँ से रोशनी आ रही है, ये दिव्य रोशनी है। ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा आगे, लेकिन एंजल्स ने कैसे हाथ पकड़ा हुआ इस लेडी का और हाथ पकड़कर इसको आगे लेके जा रहे हैं, तो यानी कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, एंजल्स जो है आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है, आपके कोशिशों में कोई कमी नहीं है, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। द फूल की एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है न्यू बिगनिंग को, एक नई शुरुआत को, और ये नई शुरुआत जो है ईश्वर की कृपा से भरपूर होती है, क्योंकि जहाँ ईश्वर की कृपा होती है ना वहाँ पर स्ट्रगल नहीं होता है, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव कुछ भी कोई चीज़ गलत नहीं होती है, आपको बहुत थोड़े से लो एफर्ट में ही ना बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी आई है, यानी कि ईश्वर की रहमत आप पर हुई है, आप सोचे समझे बिना आगे बढ़िए, बस बढ़िए, ईश्वर हैं यहाँ पे। ठीक है, हीलिंग, तो आपके जीवन में जो है जितने भी प्रोजेक्शंस आपके ऊपर हुई हैं या हो रही हैं उन चीज़ों में ईश्वर जो है अपने एंजल्स को भेज के आपको हील कर रहे हैं और आपकी हीलिंग हो रही है, आपके देखो सभी चक्रास को वो क्लींस कर रहे हैं, क्योंकि कोई है जिसको बहुत तकलीफ है, देखो यहाँ पर ना किसी को आपकी सुंदरता से भी तकलीफ हो सकती है, तो पॉसिबल है आपके ऊपर कोई ब्यूटी स्पेल भी किए गए हों और इन चीज़ों में ऑफकोर्स कोई ना कोई सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईश्वर यहाँ पे पहले से ही बैठे हुए हैं कि ऐसा कुछ होने नहीं पाएगा, बहुत हो गया। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चिड़िया है जो ऊपर उड़ रही चिड़ियों के साथ घुल मिल रही है, तो आपको जो है ना इसी तरह से अपने तालमेल बना करके चलना है और सब
जो है इस वक्त, अब जो है सब लोग आपको समझने की कोशिश करेंगे, अब जो है आपका एक नया और दिव्य रूप देखेंगे लोग, और अब सबको समझ में आएगा एक्चुअली आप हैं कौन। ठीक है, ईश्वर ने कहा था ना तुमको तुम्हारे पैरों पर इसी हफ्ते खड़ा करूंगा मैं, तो वो एनर्जी आपके जीवन में आ गई है। ठीक है, ऐसी एनर्जी आई है। रिपनेस, तो देखिए आपको जो है ना आपके भाग्य का फल मिल रहा है। आपने जिन चीज़ों के लिए मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पेशेंटली वेट किया है ना, वो सभी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं और आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो आप जो है अपनी मेहनत का फल खाने का समय आ गया है, अब तैयार हो जाइए क्योंकि आपके जीवन में नई नई चीज़ें, नई नई उपलब्धियाँ और बहुत कुछ नया आ रहा है। कंपैरिजन नहीं करना है आपको दूसरों से, आप बेहतरीन हैं, अलग हैं दूसरों से, बहुत ही अच्छे हैं आप। बहुत तेज़ी से आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अपना कंपैरिजन मत कीजिए। देखिए मैंने आपको कल भी समझाया था, टर्निंग इन, आपको कहा जा रहा है कि जब बाहर आपको कुछ समझ में नहीं आता है ना, तो आप बाहर की तरफ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप अंदर की तरफ जाइए और अंदर अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि बाहर तो प्रोजेक्शंस चल रही हैं, गिरे हुए छिछोरे लोग और कर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो आपको रोकना चाहते हैं और ईश्वर जो है आपको अपने करीब लेकर आ रहे हैं। तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ऐसे में मेडिटेशन को मत रोकिएगा, मेडिटेशन से आप अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे और इस वक्त कुछ भी आपको, जो भी आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं वो बिल्कुल सही कहेंगी, और जो भी करना है आपको अपने इंट्यूशंस को सुनकर करना है। ठीक है, एंजल्स देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं आपके बारे में, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। किसी ने आपके ऊपर प्रोजेक्शन की है जिसको ईश्वर ने बैकफायर कर दिया है, तो एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको, क्रिएटिविटी फ्लो। तो अब आपके जीवन में ना क्रिएटिविटी फ्लो होगी, यानी कि आप जो अपने कुछ ड्रीम्स होंगे या कुछ चीज़ें होंगी जिन्हें आप अपने जीवन में उतारना चाहते थे, या जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में करना चाहते थे और कर नहीं पाए थे, तो वो चीज़ें अब आप कर पाएंगे, वो चीज़ें आपके जीवन में अब आपके, आपको मौका मिलेगा उन चीज़ों को बाहर निकालने का। हार्मनी, आपके जीवन में अब हार्मनी आ रही है, चारों ओर से आ रही है। आई एम इन हार्मनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स बीइंग्स, तो ईश्वर के साथ और ईश्वर की बनाई हुई सभी चीज़ों के साथ, सभी पेड़ पौधे पंछियों के साथ, सभी जीव जंतुओं के साथ आपको बहुत ही प्यार और सौहार्द के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, ईश्वर यही आपको कह रहे हैं, आपको हार्मनी बनाकर चलना है, आपको प्यार बांटना है सब में। जो ईश्वर ने आपको बनाकर भेजा है ना, आप वही बनकर रहिए, आप कुछ और नहीं बनेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींस योर बॉडी माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स, तो देखिए आपको कहा जा रहा है अपने आप को डिटॉक्सिफाई कीजिए, अपने चक्रास को क्लींस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी किसी ने प्रोजेक्ट की हुई है ना, उस नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए। ठीक है, डिटॉक्सिफाई कीजिए खुद को और क्लींस कीजिए अपनी एनर्जी को, जितना हो सके उतना अच्छे से खुद को क्लींस कीजिए। इमोशनल हीलिंग, तो आपके जीवन में ना आपको इमोशनल हीलिंग मिल रही है। ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा देखा हो, तो अब आपके जीवन में आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगी। अब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही ऑथेंटिक होंगे और उनके साथ बहुत अच्छे कनेक्शंस बना पाएंगे आप, और आपको इमोशनल बैलेंस फील होगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए। माइंड बॉडी कनेक्शन, आई कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन माई माइंड एंड बॉडी, तो माइंड और बॉडी के साथ जो है कनेक्शन बिठा रहे हैं आप इस वक्त। आपके जीवन में माइंड और बॉडी के साथ कनेक्शन चल रहा है, और जितना हो सके आप अलाइन कीजिए खुद को। अलाइन करेंगे तो आपकी बॉडी, माइंड और सोल एक साथ कनेक्ट होगा, और आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, और आपकी इंट्यूशंस भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगी, और आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, कंपैशन, आई एक्सटेंड लव एंड कंपैशन टू माई सेल्फ एंड अदर्स, तो यहाँ पे कंपैशन की फीलिंग आई है आपको, जो है अपने लिए और दूसरों के लिए लव
लव जो है एक्सप्रेस करना है अपने लिए भी और दूसरों के लिए। बेसिकली आपको प्यार को रेसिप्रोकेट करना है, क्योंकि आपको मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेना ही है, देना भी है आपको। तो अब आपके जीवन में ना प्यार आ रहा है, तो यही प्यार आपको बरसाना भी है और दूसरों की तरफ आपको भेजना भी है। ठीक है, ये ईश्वर आपको कह रहे हैं कि बराबर का जो है इक्वल गिव एंड टेकिंग आपको रखनी है अपने जीवन में। ठीक है, तो ये एनर्जी थी आपके लिए आज की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। जिसके भी ऊपर किसी ने प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है, वो प्रोजेक्शन जो है बैकफायर हो गई है। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आपके जीवन की कोई भी उपलब्धि किसी ने छीनी नहीं है, छीन नहीं पाएगा, ईश्वर है यहाँ पर। ठीक है, चैनल डेक में से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, एक मैसेज आ गया है, नो वन इज़ यू एंड दैट इज़ योर पावर। तो देखो, कुछ लोग हैं ना आपके साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन के साथ वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं लोग। और क्योंकि आप हैं, आपकी एनर्जी को कोई भी ना तो कॉपी कर सकता है, ना छीन सकता है, ना आपके जैसा बन सकता है, ना दिख सकता है, ना बोल सकता है। जो आप हैं वो आप ही रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सुपर पावर आपके पास यही है कि आप हैं, और कोई आपके जैसा बनना चाहता है। ठीक है, इसीलिए प्रोजेक्शंस कर रहे हैं उल्टी सीधी। वेरी सून इज़ नाउ फाइनली। तो देखो, कोई चीज़ जो आपके जीवन में बहुत लंबे समय से आने की कोशिश कर रही थी, आप भी कोशिश कर रहे थे कि मिल जाए आपको, तो अब आपके जीवन में आने वाली है। 111 की एनर्जी है। गॉड इज़ प्लानिंग समथिंग गुड फॉर यू, इट मे बी जॉब, मैरिज और ए बिग ब्रेक थ्रू। तो आप 111 की एनर्जी आई है, आप जिन चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, ईश्वर आपको जिन चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कोई शादी हो सकती है, मेजर ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर कोई जॉब हो सकती है। तो कोई जॉब आ रही है आपकी तरफ। सीक्रेट इज़ गोइंग टू रिवील। तो कोई बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है भाई। दे किल्ड योर नेम प्राइवेटली बट गॉड इज़ अबाउट टू ऑनर योर लाइफ पब्लिकली। तो यहाँ पे जो है ना, बहुत से लोगों ने आपका नाम जो ख़राब करने की कोशिश की ना, उनके मुंह पर एक बहुत ज़ोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है, क्योंकि ईश्वर जो है आपको अब पब्लिकली आपको ऑनर करने वाले हैं, रिस्पेक्ट करने वाले हैं। गॉड हैज़ द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग। तो भाई, ईश्वर के अब आखिरी शब्द होने वाले हैं जिन लोगों ने आपके ऊपर जो भी प्रोजेक्शंस की है, जो भी गंदगी फेंकी है ना आपके ऊपर, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं लोग, सॉरी ईश्वर। ठीक है, यू आर एंटरिंग अ पावरफुल न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, दिस विल बी द हैप्पीएस्ट यू हैव एवर बीन। तो आप अपने जीवन में ना किसी पावरफुल चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो शायद शादी हो सकती है, या फिर आपको कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, और ये चीज़ बिल्कुल ऐसी होने वाली है ना जो आपकी ज़िंदगी का पूरा काया बदल देगी। ठीक है, तो कुछ बहुत बेहतरीन आपके जीवन में होने वाला है, थोड़े तैयार हो जाइए आप। समथिंग इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू, ट्रस्ट दैट। तो देखो, कोई चीज़ है ऐसी जो आपकी और आपकी चीज़ों की केयर कर रही है, जिन चीज़ों के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी आई है। लाइट अप अदर्स विद योर लाइट। तो भाई, जैसे आप खुद हैं वैसे ही दूसरों को भी रोशन कीजिए, उनको भी सिखाइए, समझाइए और अपने जैसा बनाइए और उनको रोशन कीजिए। लव स्पेल, देखो मैंने कहा था ना, किसी ने स्पेल किया है आपके ऊपर, किसी ने आपके ऊपर स्पेल किया है, और यहाँ पे स्पेल दो हुए हैं, एक लव स्पेल हुआ है और एक अलग स्पेल हुआ है, दोनों बैकफायर हो गए हैं। प्रे बिलीव एंड फॉरगिव। तो देखो, आपको कहा जा रहा है जितना हो सके प्रे कीजिए, बिलीव कीजिए और फॉरगिव कीजिए, यानी कि भूल जाइए। ईश्वर हैं यहाँ पे, ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल। तो देखो, आपके जीवन में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहा है, कब आएगा मुझे भी जाना है प्लीज़। डोंट गिव अप। तो देखो, आपके लिए एनर्जी आई है कि डोंट गिव अप, आपको रुकना नहीं है। लोग तो चाहते हैं आपको रोक देना, मगर आपको रुकना नहीं है। टाइम इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग टू यू। चीज़ें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है आपके लिए। स्टे वेयर योर हार्ट स्माइल्स। तो आपको कहा जा रहा है आप वहाँ पर रहिए जहाँ आपका दिल खुश रहता है। ठीक है, जहाँ आपका दिल खुश रहता है वहाँ रहिए। डोंट लेट द अगली इन अदर्स किल द ब्यूटी इन यू।
तो आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर की खूबसूरती को खराब मत कीजिए, क्योंकि लोग तो चाहते हैं कि आपको बदसूरत बना देना। लोगों को आपकी सुंदरता से भी बड़ी तकलीफ है, बड़ी जलन होगी लोगों को। अच्छे कपड़े क्यों पहनते हो, अच्छे दिखते क्यों हो, अच्छे से बात क्यों करते हो, स्माइल क्यों करते हो, लोगों को बहुत तकलीफ है। यू विल बी द फर्स्ट मल्टी मिलियनेयर इन योर फैमिली, तो यू आर गोइंग टू बी अ मल्टी मिलियनेयर वेरी 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 सून। तो आप अपने घर में ना शायद सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले पहले इंसान होंगे। एवरीथिंग यू लूज इज़ गोइंग टू रिप्लेस, हर चीज़ जो आपसे छीनी गई है वो रिप्लेस होने वाली है, ठीक है। गॉड हैज़ प्लान्स फॉर यू, तो ईश्वर के पास कुछ अलग ही प्लान है आपके लिए, ठीक है। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, तो आपको कहा जा रहा है कि खुद को एक ब्रेक दीजिए, है ना। शायद आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे होंगे, आपने खुद को शायद थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया है। मदर फिगर इज़ विच, तो देखो यहाँ पर ना किसी की मदर है ये जो लेडी है ना, ये किसी की मदर है। इसने डायन का काम किया है आपके ऊपर, और इसने जो है ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जादू टोने किए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी लेडी है, इसने आपके ऊपर दुनिया भर के टोने टोटके किए हैं जो कि अब इसके सर के ऊपर फूटने वाले हैं। गॉड सेज़ एवरीथिंग इज़ टेम्प्रेरी, डोंट स्ट्रेस, तो ईश्वर कह रहे हैं हर चीज़ बहुत ही टेम्प्रेरी है, किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ठीक है। एक मैसेज और ले लेते हैं। डर जाओ तो सब गलत है, अड़ जाओ तो सब सही है, तो ये शब्द आपके लिए हैं कि डरो मत, अड़ जाओ, ठीक है। तो आज के लिए बस यही रीडिंग थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लगती है, और कल फिर आऊँगी एक और नया मैसेज लेकर आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।